हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। बहुत दिनों बाद आज GS 4 का पेपर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से ये पेंडिंग चल रहा था सब्जेक्ट, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के लिए अभी क्षमता में पहले करा चुकी हूँ पूरा, अब हम करेंगे सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो 2 लेक्चर में इसे मैं ख़त्म करूँगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। और इसके ख़त्म होते ही, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका PDF मैं अपने सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। होप आप लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो रहा होगा अब तक। तो सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य हम करते हैं, तो ऑब्वियस है बुनियादी मूल्य जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं वो होती क्या हैं और उसकी ज़रूरत क्या होती है सिविल सेवा के लिए, ये सब भी हम करेंगे साथ के साथ। और क्या क्या मूल्य होते हैं जो सिविल सेवकों के लिए ज़रूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये जो पेपर है GS 4 का, ये UPSC 2019 और UPSC जो 2019, ये दोनों के लिए सिमिलर है, क्योंकि ये जो GS 4 का पेपर है, एथिक्स का पेपर, ये UPSC और UPSC दोनों ने जो सिलेबस है सेम लिया हुआ है। UPSC का सिलेबस एक एक वर्ड कॉपीड है UPPSC के लिए, तो आप या तो जाके देख सकते हो। और हमने एक वीडियो भी बनाया था कंपैरिजन करने का GS 1, 2, 3, 4, तो उसमें कंपैरिजन भी बताया है कि UPPSC और UPSC में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है और कौन से सिलेबस सेम है, कौन से चेंजेस लाए है UPPSC, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, जिसका हम पार्ट 1 करेंगे। बहुत इजी वे में आज हम एथिक्स पढ़ेंगे। तो ये है अभिवृत्ति, जो हमने इसका सिलेबस देखा था UPPSC का, तो उसमें हम लोग ये जो पहला वाला टॉपिक था अंतर्वस्तु संरचना कार्य विचार, ऑलमोस्ट ये पूरा सहमति पैदा करने तक पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम यहाँ पर सेकंड टॉपिक कर रहे हैं सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, ये कर चुके हैं। ये वाला लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था, 3 पार्ट्स आए थे इसके। अब हम करेंगे इसमें बुनियादी मूल्य, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, ये हम करेंगे। इंग्लिश अगर हम देखें तो फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये पॉइंट आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे कि आधारभूत मूल्य कौन कौन से होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, कौन कौन से ऐसे नैतिक मूल्य हैं, आधारभूत मूल्य हैं या बुनियादी मूल्य हैं जिनकी ज़रूरत होती है एक लोक सेवक को। इसी तरह लोक सेवक में नैतिकता की ज़रूरत क्यों हुई, कब से हुई, और इस टाइप में जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। थर्ड हम करेंगे नैतिक स्थिति के निर्धारक, मतलब कि प्रशासन में जो नैतिक स्थिति होती है उसके निर्धारक कौन कौन से तत्व होते हैं, सोशल होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि नैतिक स्थिति एक प्रशासन में कैसी होनी चाहिए या होती है या होगी। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा यहाँ टॉपिक होगा सामान्य नैतिक समस्याएं और नैतिक मुद्दे। ये डिसाइड तो कर लिया जाता है कि ये नैतिक मूल्य, आधारभूत मूल्य होना चाहिए एक लोक सेवक के अंदर, लेकिन उसको अपनाने में या प्रशासन में इन नैतिक मुद्दों को लाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। और हमारे मेनली हम लोग भारतीय समाज की बात करें, भारतीय प्रशासन की बात करें, तो उसमें ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना होगा, जो ऐसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं कि आधारभूत मूल्य जो लागू ना हो पाए या फिर लागू होने में इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेनली इस पॉइंट को हमने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ईजी वे में समझते हैं। ये जो यहाँ पर मैंने मूल्य दे रखे हैं, टोटल 10 मूल्य हैं, तो ये भी इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली इतने मूल्य होते और भी इसमें जितने चाहें आप लोग ऐड करते जा सकते हैं। तो आधारभूत मूल्यों की ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये समझा दूं कि जब भी कोई लोक सेवक का चयन किया जाता है तो उसकी जो भूमिका होती है वो जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में भूमिका होती है। अगर वो अपना काम, ये जो नैतिक मूल्य मैंने नहीं दिए हैं इसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा, तो बहुत सारी परेशानियां सरकार को भी उठानी पड़ सकती है, एज वेल एज जनता को भी उतनी ही परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि
लोक सेवक की जो भूमिका होती है वो जब सार्वजनिक पद पर बैठता है, मतलब कि बनता है, तो लोगों के जनजीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और ये सरकार और जनता के बीच एक धरोहर के संबंध में कार्य करता है। और अगर इसने अपने कार्य अच्छे से नहीं किया, जो इसको अधिकार सौंपे गए उसका प्रयोग अच्छे से नहीं किया, जनता की भलाई के लिए नहीं किया, तो फिर इसका खामियाजा जनता को और साथ में हमारे प्रशासन को भी उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए कुछ मूल्यों की ज़रूरत समझी गई हमारे लोक सेवा में, इसीलिए ये मूल्य निर्धारित किए गए। जो भी हमारे लोक सेवक होते हैं वो पूरे जो भारतीय प्रशासन है उनकी रीढ़ होते हैं, और उन लोगों से हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं, हमारी जनता ये उम्मीद रखती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से जो भी अपना कार्य करें और जो भी उनको कार्य सौंपे जाएं, जैसे कि विकास का कार्य, लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य, इस टाइप से जो भी कार्य हों वो पूरी ईमानदारी से करें। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि पिछले कुछ वर्षों में लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और भ्रष्टाचार से निपटने और कुशल तथा प्रभावी शासन के लिए लोक सेवा में मूल्यों और नैतिकता का होना अपरिहार्य माना गया है, इसकी स्थिति की ज़रूरत समझी गई है। अब हम आधारभूत मूल्यों की बात करते हैं। तो लोक सेवा में आधारभूत मूल्य वे हैं जो लोक सेवाओं के लक्ष्यों को, आदर्शों को, उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा और मार्गदर्शन का काम करते हैं, जो ये रास्ता दिखाते हैं लोक सेवकों को कि उनको किस हिसाब से काम करना चाहिए, उनके आदर्श क्या होने चाहिए, उनके लक्ष्य क्या होने चाहिए और उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोक सेवकों के कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ये जो मैंने यहाँ पर आधारभूत मूल्य दिए हैं इनमें से मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनैतिक तटस्थता यहाँ आएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर तटस्थता यहाँ कर लीजिएगा जो भी आप नोट्स बनाएं, बाकी जो मैं PDF प्रोवाइड करूँगी उसमें सही सही होगा, तटस्थता यहाँ पर पूरा सही कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठता, सहानुभूति, समानुभूति, ये दोनों अलग अलग टर्म है, समानुभूति और सहानुभूति। ये जब हम लोग करेंगे ना लेक्चर, इस ये जो जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं इसका अलग से हमें एक एक पॉइंट्स करना है, तो यहाँ मैं पूरे पॉइंट एक साथ डिस्क्राइब कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, ये तो वैसे कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोगों ने सुना है, देखा है, सब कुछ किया है, लेकिन जब आप पेपर में लिखने बैठेंगे तो आपको नहीं आएगा कि लिखना कैसे होता है। तो इसीलिए सहिष्णुता, राजनैतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठा, समानुभूति, सहानुभूति, वंचित वर्गों के लिए करुणा, धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी आपको आधारभूत मूल्यों की ज़रूरत है, तो आप इतने आधारभूत मूल्य लर्न कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें कॉमन भी है, जैसे धर्मनिरपेक्षता आपको पता है क्या होता है, सहानुभूति के बारे में पता होगा, ईमानदारी पता है, सत्यनिष्ठा भी कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, लेकिन अब अच्छे से इसकी परिभाषा समझ में आ चुकी है कि सत्यनिष्ठा होती क्या है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ये जो एक सफल लोक सेवक होता है कि उनके लिए योग्यता और दक्षता के साथ साथ इन आधारभूत मूल्यों का होना भी बहुत बहुत आवश्यक होता है। लोक सेवक की जब परीक्षा होती है तो उसकी चयन में योग्यता देखी जाती है, उसकी दक्षता देखी जाती है, पेपर्स दिए जाते हैं तो उसकी नॉलेज देखी जाती है, उसकी तार्किकता देखी जाती है। उसके साथ साथ अगर वो इन प्रशासनिक मूल्यों से अगर युक्त नहीं होगा तो वो एक अच्छा लोक सेवक नहीं बन पाएगा, वो एक नौकरशाह तो बन के रह जाएगा, मतलब कि वो एक, जैसे कि एक नौकरी होती है वो अपनी सैलरी उठाएगा और नौकरी करेगा उस हिसाब से, लेकिन एक आदर्श लोक सेवक होता है उसकी जिम्मेदारी इन आधारभूत मूल्यों से युक्त नहीं होगा तो नहीं उठा सकेगा, वो एक सफल लोक सेवक के रूप में नहीं उभर सकेगा। इसी तरह जितनी भी इसमें है ऑलमोस्ट सारी जो भी कुशलता है, मूल्य हैं, ये सारे एक लोक सेवक के अंदर आने या होने जरूरी हैं। तो लोक सेवक का जो आधारभूत मूल्य है, संविधान की प्रस्तावना में स्थापित विविध आदर्शों के प्रति निष्ठा,
रखते हुए अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है। और इसी तरह द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने भी इन्हीं मूल्यों की सिफारिश की थी। उन्होंने और भी कुछ कहा था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इन जो ये मैंने 10 मूल्य दिए हैं इनके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि लोक सेवा के मूल्यों जिन्हें सभी सार्वजनिक कर्मचारियों को ऊंचा उठाना चाहिए उन्हें परिभाषित किया जाना चाहिए। ये जो कथन था ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का था और सरकार एवं अर्ध सरकारी संगठनों की सभी श्रेणियों पर लागू किया जाना चाहिए। अगर इन मूल्यों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कदाचार और दंड को निमंत्रण समझा जाना चाहिए। तो इसका जो है उल्लंघन भी नहीं किया जाना चाहिए एक लोक सेवक के प्रति। उन्होंने और भी कहा था कि अभिक्षमताओं के संघर्ष को अधिकारियों के लिए नैतिक संहिता और आचार संहिता के रूप में विस्तृत रूप से समझा जाना चाहिए। सेवारत अधिकारियों को भी सरकारी उपक्रमों के मंडलों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए, तथापि ये गैर लाभ के सरकारी संस्थानों और परामर्शिकाओं पर लागू नहीं होगा। मीन्स ये सब चीज़ें जो इन्होंने बताया ये NGOs पर लागू नहीं होंगी। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि आधारभूत मूल्य क्या होते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों हुई और कौन कौन से आधारभूत मूल्य एक लोक प्रशासन में, हमारे भारतीय लोक प्रशासन में ज़रूरी हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन में नैतिकता। अब इसकी स्थिति कैसी है, लोक प्रशासन में भारत में कैसी अच्छी है बुरी है, तो इसकी जो स्थिति है वो अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। सामान्य रूप से अच्छी या बुरी स्थिति के अतिरिक्त लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति का अनुमान उनकी नैतिक मूल्यों की तीव्रता और पालन के आग्रह से लगता है। मतलब कि हमने मूल्य तो बना दिए लेकिन उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है, उसको जो हमारे भारतीय प्रशासन में जो लोक सेवक हैं उसको अपना रहे हैं या नहीं। मूल्य बनाने तक ही नहीं है, उसको लागू भी करना चाहिए। लोक प्रशासन में जो नैतिकता की स्थिति है बहुत सारे कारणों पर निर्भर होती है, जैसे कि समाज कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है उस समाज की, सांस्कृतिक, विधिक, न्यायिक और ऐतिहासिक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। इसको मैं डिटेल में आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगी पूरा, कि इस जो ये जब जो मैंने कारण्स बताए इन पर डिपेंड करता है कि प्रशासन की नैतिकता का स्तर क्या होना चाहिए। प्रशासनिक जो नैतिकता है उसका तात्पर्य हम कह सकते हैं कि उन मानदंडों से होता है जो ये बताते हैं कि नैतिकता की दृष्टि से प्रशासन में कौन सा कार्य किया जाना उचित है और कौन सा कार्य किया जाना उचित नहीं है। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जो नैतिक मूल्य हमने बताया कि तो इससे हमें पता चलता है कि ईमानदारी जैसे हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि एक लोक सेवक को ईमानदार होना चाहिए। तो कोई अगर रिश्वत देता है तो फिर उसे वो जो मूल्य है अपने अंदर लाने चाहिए और उसे समझ में आना चाहिए कि ये मेरे लिए गलत है या सरकार के लिए, जनता के लिए गलत है। ऐसे और एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रशासनिक अगर नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो भ्रष्टाचार करना गलत है, किसी व्यक्ति से रिश्वत लेना या उपहार लेना गलत है, चुनाव में पक्षपात करना गलत है, तो ये सब नैतिकता होती है, ये मूल्यों से हमें पता चलता है। सार्वजनिक स्थान पर नशे में रहना गलत होता है, दहेज लेना तथा अपने प्रभाव से सरकार का आर्थिक नुकसान करवाना या अवैध कार्य करवाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नैतिकता की दृष्टि से एक लोक प्रशासन में गलत होता है। तो ये है लोक प्रशासन में क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, इसी को हम लोग प्रशासनिक नैतिकता कह सकते हैं। जब प्रारंभ में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाए या नहीं इस विषय पर बहुत ज़्यादा विवाद उठ गया था, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये नैतिकता एक लोक प्रशासन में डाला जाना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। विवाद मूल्य तथा तथ्यों को लेकर था, कि मतलब वो मूल्य होने क्या चाहिए और वो तथ्य होने क्या चाहिए। कुछ विचारकों का मानना था कि नीति शास्त्र का संबंध मूल्यों से है और लोक प्रशासन मूलतः निर्णय तथा कार्यवाही जैसे तथ्यात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, परंतु आज का जो युग चल रहा है उसमें नैतिकता और नैतिक मूल्यों को लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जब लोग ट्रेनिंग करते हैं, लोक सेवक जब बन जाएंगे इंटरव्यू के बाद तो ट्रेनिंग करेंगे, तो प्रॉपर एक एथिक्स का हमें लेसन पढ़ाया जाएगा कि ये प्रशासनिक मूल्य आप लोगों के अंदर होने चाहिए। तो अब ये एक आवश्यक अंग के रूप में माना गया है नैतिक मूल्यों को। समानता, न्याय, मानवाधिकार,
जैसे जो मूल्य हैं वो लोक प्रशासन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिसकी जरूरत लोक प्रशासन में बहुत जरूरी हो गई है। लोक प्रशासक का दायित्व केवल जो भी तथ्य दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, उनके आधार पर कार्रवाई करना या फिर निर्णय लेना ही नहीं होता। ये आप लोगों को पता है कि इसमें नैतिक मूल्यों का समावेश और समाज के नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी एक लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसको प्रशासन को, जनता को और नैतिक मूल्यों को, समाज के सबको साथ में लेकर कार्य करना होता है। तो ये जो लेक्चर मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, ये लेक्चर आप अपने ऊपर लागू करके फिर एग्ज़ाम में अगर आंसर लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और हमारे अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए एक लोक सेवक के रूप में। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी, समझ में आई या नहीं आई, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट अस। प्लीज़ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।